अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो अभी आज हम एक और नए व्लॉग के साथ आए हैं और इस बार आप लोगों को हम दिखाएंगे HIT यूनिवर्सिटी ऑफ हार्बिन, जो कि हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और ये चाइना की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, C9 में आती है। और आज हम आपको इसका शॉर्ट सा टूर देंगे और दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। तो चाइना में हार्बिन में अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से शुक्र है अभी ग्रीनरी हर तरफ से आ गई है, वरना तो इधर आपको ये ग्रीन दरख्त नज़र ही नहीं आ रहे होंगे सर्दियों में, जैसे कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और फिर वो सब कुछ ना, ये दरख्त वगैरह तो होते ही नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है हर तरफ। अभी ग्रीनरी देख के दिल बड़ा खुश हो रहा था कि चलो इतने टाइम बाद इधर कोई दरख्त नज़र आया है और ग्रीनरी नज़र आई है। तो ये हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इधर की, सब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। और आप लोग देखें कि ये कितनी, मतलब सफाई कितनी ज़्यादा है और कितनी प्यारी है। तो अभी आगे हम जा रहे थे और आगे जाके आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन है वो भी दिखाएंगे आगे जाके। और ये इनका एक डिपार्टमेंट, आई थिंक ये डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट था, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और ये इनका साइंस पार्क है, ज़रा आप चेक करें इनका, इनकी बिल्डिंग्स चेक करें कितनी मतलब खूबसूरत बनी हुई है इन लोगों ने। तो यहाँ के ये लोग आगे से बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे थे इस डिपार्टमेंट से, ये साइंस पार्क है इधर का, ये लोग मिसाइल्स वगैरह भी बनाती है ये यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से। तो अभी हम ये कैंटीन जा रहे हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और उधर इन लोगों की कैंटीन किस तरह होती है यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये देखे, ये सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे इनका कैंटीन है, ये चाइनीज़ लोगों के लिए कैंटीन बनाए हुए हैं और इन पे सारी चीज़ें हराम ही होती है, मतलब मुस्लिम लोग इधर नहीं खा सकते। तो अभी हम ये सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं, उधर आपको दिखाते हैं कि उधर क्या सीन है। तो अभी हम जाते हैं, ये इन्होंने एलिवेटर लगाए होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, ये देखे। तो अभी हम ये सेकंड, बल्कि ये तो फर्स्ट फ्लोर, हाँ ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए थे। और इधर ये साइड पे मुस्लिम रेस्टोरेंट, मतलब मुस्लिम कैंटीन भी था लेकिन वो बंद था इस टाइम। तो अभी हम आप लोगों को ये चाइनीज़ वाला ही कैंटीन दिखा देते हैं, ये मुस्लिम वाला बंद था। तो अभी ये चाइनीज़ का कैंटीन दिखा रहे हैं, सारे चाइनीज़ बैठ के खाना खा रहे हैं और अभी देखते हैं कि ये लोग खाने में क्या खाते हैं। अब ये देखे, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं कि ये लोग, इनकी चीज़ें किस तरह होती है। अभी देखते जाए आप लोग कि ये लोग क्या खाते रहते हैं, बड़े ही अजीब से खाने होते हैं इनके, पोर्क सारे। अब ये देखे, ये तो मुझे कोई बीफ ही लग रहे थे स्टार्ट में, फिर ये इनके सलाद वगैरह, सॉसेस, फिर ये ब्रेड्स, फिर ये पता नहीं कोई चटनी सी चीज़ें इन्होंने रखी होती है। ये देखे पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही होती ये लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, हर चीज़ इन्होंने बनाई होती है। ये सब्जियाँ शोरबे, ये पता नहीं क्या रखा हुआ है इन लोगों ने। इसके बाद हम बाहर आ गए थे कैंटीन से और ये देखे, इन लोगों के मिसाइल वगैरह बाहर इन्होंने रखे हुए थे, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी
हैरत की बात है कि ये मिसाइल्स वगैरह तक बनाती है, ये देखें। और इनका बड़ा किरदार है स्पेस के जाने के लिए, ये लोग जो मिसाइल वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी साइंसी आलात होते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी का इसमें बड़ा किरदार है। इस वजह से अब ये देखे आगे जाके हम ये बाहर की तरफ रोड जा रहा है इनका, और ये हम बाहर आ गए हैं इस तरह से। इधर फेस रिकॉग्निशन से बाहर बंदा जा सकता है और आ सकता है, आपको स्क्रीन पे अपना फेस शो करना पड़ता है, फिर आप अंदर जा सकते हैं और उसी तरह से बाहर भी आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का एक ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर एंड लाइक किया करें, ताकि आप लोगों को इस तरह मज़े मज़े की वीडियो देखने का मौका मिलता रहे। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तो तब के लिए खुदा हाफिज़।